आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो जम्मू के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को एक ऐसी प्रोजेक्शन दी जा रही है कि ये कम्युनल माइंडसेट से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो रेप विक्टिम है उसकी सपोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है और जम्मू सोसाइटी को कम्युनल लाइन पर डिवाइड करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं इसके बारे में ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमने शुरू से ये बात की कि यहाँ तक हीरानगर का केस है, उसमें जो छोटी बच्ची जिसके साथ ये बदफेली हुई, जिसका कत्ल हुआ, जिसके साथ रेप हुआ, उसको इंसाफ मिले, इसके लिए हमने सीबीआई की इंक्वायरी मांगी थी और क्राइम ब्रांच ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके प्रति हमारे पास ठोस सबूत हैं कि क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन जो थी शायद उससे इस बच्ची को इंसाफ ना मिले, ऐसा हमारा मानना है और इसीलिए हमने ये इस बात की सपोर्ट की थी कि सीबीआई को इंक्वायरी रेफर की जाए, इन्वेस्टिगेशन रेफर की जाए। लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सा हमें नेशनल लेवल के मीडिया पर थोड़ा सा गिला है इस बात का कि हमारी लड़ाई को, जम्मू की लड़ाई को रसाना मर्डर केस, रेप केस के साथ इस तरह जोड़ा गया कि हम जो मुलजमान हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनके हक में ये एजिटेशन कर रहे हैं। मैं इस बात को आपके माध्यम से डिस्पेल करना चाहता हूँ। ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है ये टोटली कश्मीर सेंट्रिक जो माइंडसेट है ये उनकी मैनिपुलेशन है और जम्मू की सोसाइटी को डिवाइड करने की कम्युनल लाइंस पर एक साजिश है। हमने शुरू से ये बात की थी कि जो भी लोग इस रेप और मर्डर में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए हमने सीबीआई की बात की थी। आज सिचुएशन यहाँ पहुँच गई है कि क्राइम ब्रांच ने जिस कदर भी इन्वेस्टिगेशन की, आज मसला कोर्ट में चला गया है। तो अब उस बात के लिए कल बंद नहीं था, हमारे बंद को जो इसके साथ जोड़ा गया, हमने बार बार मीडिया को एड्रेस किया, बार बार हमारी जितने भी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जिन्होंने हमारे हाईकोर्ट से लेके सतवारी तक और सतवारी से लेके हाईकोर्ट तक जब हम घूम रहे थे, प्रोसेशन में जा रहे थे, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिए, तो हमने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि कल का बंद प्राइमरली दो बातों पर था। एक तो ये कि जो रोहंगीय यहाँ बसे हैं इनको जम्मू से बाहर निकाला जाए और दूसरा जो 14/2 का सीएम साहिबा ने इसकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो मीटिंग ली और उसमें जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आए उसके बारे में इत्तेजाज कर रहे थे। हाँ, यहाँ तक सीबीआई इंक्वायरी का तलक है। आज भी हमारा मानना है कि क्राइम ब्रांच ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है कि अल्टीमेटली ये बेनिफिट जाएगा मुलजमान को, तो इसलिए हम आज भी चाहते हैं कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जानी चाहिए, लेकिन उसकी चाराजोई गलियों में नहीं है, उसकी चाराजोई जो भी होगी वो कोर्ट में होगी और जो भी उनके वकील होंगे। ना हम मुलजमान के वकील हैं, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि हम मुलजमान को कोई फ्री लीगलेट देंगे, लेकिन एक नेशनल लेवल पर बदकिस्मती से ये इम्प्रेशन दिया गया जो बिल्कुल पॉलिटिकली टेंटेड इम्प्रेशन है, हमारा उससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं। परसों इतनी गलत फहमियाँ डाली गई, मैं आपको ये वाजा करना चाहूँगा
कि हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में हुई। उस समय अनसंग हीरो जो थे वो कौन थे, लेकिन सामने जो आए जिनको पावर मिली वो अलग लोग थे। मैं चैम्बर को मुबारकबाद देना चाहूंगा, रोहंगियों को बाहर निकाला जाए, ये चैम्बर ने इस लड़ाई की शुरुआत की और वो आज भी हमारे साथ हैं, वो कल के बंद ने साबित कर दिया। गवर्नमेंट ने एक बड़ी कोशिश की कि चैम्बर और जम्मू समाज में आपस में दरार पड़े, ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। हमारा डेलीगेशन चैम्बर लीडरशिप के पास गया, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इनको इनकी बात सुनी और प्रामिस किया कि रोहंगियों के बारे में और जो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के मिनट्स हैं उसके बारे में वो हमारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से शायद उनका ख्याल था कि ये बंद कल के दिन नहीं आगे होना चाहिए, शायद इस बात पर कोई कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट की गई। लेकिन मैं आज भी सभी जितने ट्रेडर भाई हैं हमारे, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जम्मू की सिविल सोसाइटी है, जम्मू की टीम जम्मू है, सभाएं हैं हमारी, राजपूत सभा है, JPPF है, बेयर हाउस है, रघुनाथ बाजार है, अपना राजेंद्र बाजार है, कनक मंडी है, जितने भी प्राणी मंडी, लिंक रोड, जितना भी हमारा बिजनेस कम्युनिटी का समाज था, उन्होंने कल पूरी बंद की सपोर्ट की। और आपने देखा, मेरा ख्याल है आप हमसे भी पहले सुबह से, तब तक जब तक हम घूमते रहे, आप सब लोग पूरे बाजारों में घूम रहे थे, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि किसी को ज़बरदस्ती कहना पड़ा कि आप अपनी दुकान बंद करो। तो मैं आने वाले वक्त में सभी से अपील करूंगा, जितने भी दुकानदार भाई हैं, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, क्योंकि आज हमारी हाउस की मीटिंग है, वहाँ ये फैसला लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। और हमारी ख्वाहिश है कि जैसे सिविल सोसाइटी की मीटिंग हमने 7 अप्रैल को बुलाई थी, ऐसे ही हम उनकी मीटिंग संडे को बुला के उनकी राय से जो भी अगला कदम होगा, जो भी अगला फैसला होगा, उसको हम डिसाइड करेंगे। और इस लड़ाई को, जो लड़ाई छेड़ी गई है, इसको हम पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं मीडिया, जितने भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जम्मू में, या हमारी स्टेट में, या नेशनल लेवल पर है, मैं सभी से विद फोल्डेड हैंड ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो लड़ाई है इसको राइट परस्पेक्टिव में प्रोजेक्ट किया जाए। हमें कम से कम उन फिरका परस्तों से कम्युनल लाइन पर हमें डिवाइड करने की कोशिश, हमें रेप केस के मुलजमान के साथ जोड़ने की कोशिश, काइंडली इससे गुरेज करें और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की दुनिया को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर JNK हाईकोर्ट बार का जो स्टैंड है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, उसको राइट प्रस्पेक्टिव में प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि किसी फिरका परस्त या जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ लोग हैं जो कश्मीर की ही बात करते हैं और इंटरनेशनलाइज करते हैं इश्यूज़ को, उनको ये मौका ना मिले कि हम पर कोई ऐसी इल्ज़ाम तराशी वो कर सके। तो इसी संबंध में आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी और आगे की कार्रवाई जो है, आज हमारा हाउस की मीटिंग है, वहाँ जाके हम इसकी डिसाइड करेंगे। आप में से जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी लड़ाई कैसे आगे बढ़े, हम लोगों को कैसे उनके दिल की बात को प्रोजेक्ट कर सकें, इसमें हमारी मदद करें। अलबत्ता जम्मू का समाज डिवाइड हो, जम्मू के लोगों को कम्युनल लाइन पर जो एक साजिश है सरकारी तरफ से डिवाइड करने की, उससे कैसे गुरेज हो, ऐसी क्वेश्चन जो है हम वेलकम करेंगे आपकी तरफ। देखिए, हमारे पास इस एजिटेशन के दौरान एक दिन लॉ मिनिस्टर हमारे JNK के आए, हमने उनको 3 बच्चों की जो जज साहब के सामने स्टेटमेंट्स हुई हैं वो उनको सौंपी और ये कहा
कि आप खुद डिसाइड करें कि क्या क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन फेयर चल रही है या नहीं चल रही है। हमारे मुताबिक ये फेयर नहीं है। उन बच्चों को ये मेरिट से उठा के लाए यहाँ, उनको क्राइम ब्रांच में हरास किया, उनका टॉर्चर किया, और बाद में उनको ये कहा, मजबूर कर रहे थे कि आप जज साहब के सामने जाके ये बयान दो। और उनके बयान उन्होंने अंडर सेक्शन 161 CRPC रिकॉर्ड किए और कोर्ट तक उनको ये ट्यूटर करते गए कि आप जज साहब के सामने जाके ये बयान देना। जब हमने उनके बयान पढ़े जो उन्होंने जज साहब के सामने दिए, उन्होंने पूरा खुलासा किया था कि हमें क्राइम ब्रांच ये चाहती थी कि एक मुलजम है, उसने वहाँ इम्तिहान दिया है, आप ये कहो कि इस ये मुलजम की तरफ से जो इम्तिहान दिया है वो मैंने दिया है, उससे उन्होंने प्रैक्टिस कराई, 50 बार उसके दस्तखत करवाए, और ये कहो जज साहब को जाके कि ये लड़का वहाँ नहीं था, ये लड़का रसाना में आया था, ये मुलब्बस है इसमें जो क्राइम हुआ है। और इसी तरह दूसरे बच्चों को कि वहाँ से दवाई जो है उनको कह रहे हैं कि आप फर्ज बिल दो पिछली डेट के। तो ऐसी बातें जब हमारे सामने आई तो हम बिल्कुल कन्विंस हो गए कि क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन जो है ये शायद एक कोशिश की जा रही है, पता नहीं किसका दबाव है इनको कि मुलजमान ये जो विक्टिम पार्टी है उसको इंसाफ ना मिले और मुलजमान की मदद हो। हमने इस बात को हाईलाइट किया और उस उनको भी कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कश्मीर में रेप हुआ, इतना हाईलाइट हुआ, इंटरनेशनलाइज हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने माना कि CBI को इन्वेस्टिगेशन दो। शुपिया में कोई इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने माना कि CBI को इन्वेस्टिगेशन दो। कल तक अगर इस सरकार को या JNK की लीडरशिप को ये यकीन था कि CBI एक इंडिपेंडेंट और एक क्रेडिबल एजेंसी है, तो आज कौन सी ऐसी बात इनके सामने आई कि इन्होंने CBI को इन्वेस्टिगेशन नहीं देने पर ये बवाल खड़ा कर दिया और बिल्कुल एक कश्मीर सेंट्रिक बात करके। आज देखें कश्मीर में ट्रेडर्स ने बंद किया, हमें इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हम जानते हैं उनकी क्या सियासत है और वो क्या माइंड सेट है उनका। लेकिन जम्मू में भी कोशिश की गई दरार डालने की, लेकिन हेड्स ऑफ टू दी ट्रेडर कम्युनिटी, उन्होंने कोई इनकी बात नहीं सुनी और कल पूरा हमारा समर्थन किया और जम्मू का बंद हो।